मॉर्निंग। हम कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसके पहले हमने पढ़ा था पिछली क्लास में पर्यावरण क्या है, पर्यावरण को रोकने के उपाय, पर्यावरण के कारण, पर्यावरण के प्रकार और कुछ प्रश्नों के उत्तर। आज भी हम इसी में देखेंगे पर्यावरण के इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न है कि विश्व की साझी विरासत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला है कि धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष को विश्व की साझी विरासत माना जाता है। क्या है कि धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष को विश्व की साझी विरासत माना जाता है, तो यह कथन सही है। फिर है कि विश्व की साझी विरासत किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्र अधिकार में नहीं आते हैं, यह भी कथन सही है। विश्व की साझी विरासत के प्रबंधन के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच विभेद है, यह भी सही है। फिर है कि उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से कहीं ज्यादा चिंतित है, यह कथन गलत है। अब हम आगे देखते हैं कि रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए थे। रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए? तो रियो सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, इसी से इसका नाम रियो सम्मेलन पड़ा था, क्योंकि यह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर केंद्रित सम्मेलन था। यह किससे संबंधित था? पर्यावरण से संबंधित और विकास पर केंद्रित था। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है और इस सम्मेलन में लगभग 170 देशों, हमने पिछली बार भी जो विकल्पी प्रश्न पढ़े थे, बार बार यह प्रश्न आया था कि पृथ्वी पर्यावरण के सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था, बार बार यह प्रश्न आया था। तो जो यह सम्मेलन था रियो सम्मेलन, इसमें लगभग 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठनों और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था। और रियो सम्मेलन के बाद पर्यावरण एक वैश्विक मुद्दा बन गया था। इसके बाद रियो सम्मेलन एक भूमंडलीकरण या वैश्विक मुद्दा बन गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और विभिन्न देशों द्वारा बहुत से कदम उठाए गए। तो कौन कौन से कदम उठाए गए और उसके रियो सम्मेलन के क्या परिणाम निकले? तो पहला है, वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक ठोस रूप दिया गया। दूसरा, आवास का कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई और विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग ज्यादा प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद व वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी, जो आज भी बनी हुई है। फिर जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकों के संबंध में कुछ नियम भी निर्धारित किए गए। अब है आगे का प्रश्न कि विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है और इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है। उत्तर है कि विश्व की साझी विरासत का अर्थ है साझी संपदा व संसाधन है, जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का हक होता है। साझी का मतलब क्या है कि यह किसी एक का नहीं बल्कि यह सबसे संबंधित होता है। और यह साझा चूल्हा,
सभी का पूरे समुदाय का हक होता है साझा कहलाता है। इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्र अधिकार से बाहर होते हैं, इसलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष भी शामिल है। अब दोहन और प्रदूषण क्या होता है? तो वैश्विक संपदा भूमंडलीकरण की जो संपदा है उसकी सुरक्षा के सवाल पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को अक्रामन करना जेबीकीर है और इसका दोहन और प्रदूषण मनमाने ढंग से अधिकांश देश करते रहे। अब है प्रश्न, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से क्या अभिप्राय है? हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं? तो कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी हम सभी की है और विकसित देशों का चूंकि औद्योगिक विकास हो चुका है और विकासशील देश प्रक्रिया से अभी गुजर रहे हैं, विकसित मतलब जिन देशों का पूर्ण विकास हो गया है, और विकासशील मतलब जो अभी इस प्रक्रिया में है वहां पर विकास निरंतर चालू है, इसलिए विकासशील मतलब जो इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन के इस तत्व को मान लिया गया और इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का नाम दिया गया। अब पर्यावरण संरक्षण के जुड़े को सुझाव या निर्णय है कि जलवायु परिवर्तन के संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमानुसार के अनुसार सभी देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अक्षय में अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए पर्यावरण सुरक्षा में पर्यावरण को बचाने के लिए अपना प्रमुख योगदान, महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अब ये प्रश्न वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े होंगे 1990 के दशक के विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों हो गए? इसका उत्तर है कि वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े होंगे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार हो गए। पहला कि पर्यावरण खराब होने पर कृषि योग्य भूमि कम हो रही है, जलाशयों में तेजी से जल स्तर घट रहा है, मत्स्य उत्पादन कम हुआ है, विकासशील देशों की लगभग 1 अरब 20 करोड़ जनता को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। विकासशील अभी हमने पढ़ा कि जो विकास की प्रक्रिया में अभी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं या गुजर रहे हैं, तो लगभग 1 अरब 20 करोड़ जनता को पीने का साफ पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा है और साफ सफाई के अभाव में लगभग 30 लाख बच्चे प्रतिवर्ष मारे जाते हैं। वनों की कटाई से जैव विविधता की हानि हो रही है, ओजोन परत के नुकसान से पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अब हम आगे देखते हैं इसी में प्रश्न कि पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न देश सुलह और सहकार की नीति अपनाएं। पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच जारी वार्ताओं या बातचीत की रोशनी में इस कदम की पुष्टि करिए। तो इसका उत्तर है कि पिछले कुछ वर्षों में विश्व का पर्यावरण बहुत ही तीव्र गति से खराब होता जा रहा है, जिसके कारण पृथ्वी के अस्तित्व में कई गंभीर खतरे पैदा हो गए। इसलिए विश्व के अधिकांश देशों ने पृथ्वी को बचाने के लिए परस्पर सुलह और सहकार की नीति अपनाई। सहकार मतलब परस्पर
सुलह और सहकार, सहकार मतलब कि साथ में मिलकर सहकार करना। इसी संदर्भ में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में पृथ्वी के संरक्षण के लिए आपस में कई बार बातचीत हुई। पृथ्वी को बचाने के लिए दोनों गोलार्ध ने देश वचनबद्ध दिखाई पड़ते हैं, परंतु पृथ्वी बचाने के तरीकों पर दोनों गोलार्ध के देशों में सहमति नहीं बन पा रही है। अब एक प्रश्न की विभिन्न देशों के सामने सबसे गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को आगे कोई नुकसान पहुंचाने आर्थिक विकास करने है, या कैसे हो सकता है, कुछ उदाहरणों के साथ वो समझाइए। अब इसका उत्तर है कि वर्तमान में परिस्थितियों में सभी देशों के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि कैसे पर्यावरण को बचाकर अपना आर्थिक विकास किया जाए। आज की परिस्थिति, वर्तमान की परिस्थिति में सभी देशों के सामने सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी समस्या है कि कैसे पर्यावरण को हम बचाकर रखें और इसके माध्यम से अपना आर्थिक विकास किया जाए। यदि हम कुछ उपायों पर गौर करें तो पर्यावरण को खराब किए बिना ही देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। अब कैसे उपाय, कौन कौन से उपाय हैं जिसके माध्यम से हम पर्यावरण को सुरक्षित करके अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं? जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए। जितने पेड़ों की हम कटाई करते हैं उतने ही पेड़ लगाने चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हमको सीमित करना चाहिए। पेड़ कटाई तो करते हैं, साथ में हमें नए पेड़ भी लगाना चाहिए। सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए और वर्षा का पानी है उसको सुरक्षित और संरक्षित करना चाहिए। इन उपायों के द्वारा हम पर्यावरण को सुरक्षित कर अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। अब है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण, तो पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। पहला है कि ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधनों का अधिकाधिक प्रयोग, अधिकाधिक मतलब बहुत अधिक प्रयोग। तो इस सृष्टि में अन्य जीवों की तुलना में मानव शरीर अति विशिष्ट है। अन्य जीवों की तुलना में मानव शरीर अति विशिष्ट है। इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में अधिक से अधिक प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इस पर भी संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने बुद्धि का प्रयोग कर पृथ्वी पर उपस्थित हानिकारक तत्वों को परिष्कृत कर उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। फिर दूसरा सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से न केवल घनत्व बढ़ा है बल्कि जो उपलब्ध संसाधन है उनमें भी निरंतर कमी होने और इसकी पूर्ति के लिए वनस्पतियों को नष्ट किया जा रहा है, जंगलों की कटाई करने के लिए पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि जंगलों की कटाई जिस गति से हो रही उस गति से नए पौधों का रोपण नहीं हुआ और विभिन्न प्रकार के रसायनों का छिड़काव वातावरण को जहरीला कर रहा है और इसके कारण प्राणवायु जो ऑक्सीजन है उसका अनुपात निरंतर कम होने लगा। फिर है आर्थिक विकास से पर्यावरण पर कुप्रभाव। आर्थिक विकास का प्रभाव न केवल प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ा है बल्कि अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरण भी प्रभावित हुआ और अनवीकरणीय संसाधनों में कमी आने लगी। इसके फलस्वरूप खतरनाक रसायनों का प्रयोग, रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग, जहरीली गैसों का निर्माण होने लगा जिनका
खतरनाक रसायनों का प्रयोग, रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग और जो जहरीली गैसें हैं इनका निर्माण होने से पर्यावरण पर बहुत ही अधिक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इनके अतिरिक्त वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी पर्यावरण प्रदूषण के कारण या विकास है। अब पर्यावरण को किस तरह संरक्षित रख सकते हैं का प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रमुख प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो किन किन माध्यम से पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सकता है? पहला है कि संविधान द्वारा पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता। सन 1976 में केंद्र सरकार ने संविधान के 42वें संशोधन संसद से स्वीकृत कराकर राज्य पर्यावरण संरक्षण तथा देश में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास स्वीकृत किया गया था। 42वें संशोधन में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास स्वीकृत किया गया था। इसके अंतर्गत वन, झील, नदियां और प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और इनमें सुधार करना सुरक्षित किया गया था। 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था संविधान। फिर इसका दूसरा, पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा कानून का निर्माण। इसके अंतर्गत पहला जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1947, वन्य जंतु संरक्षण अधिनियम 1972, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम जो 1981 में बनाया था, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 और नया मोटर वाहन प्रदूषण अधिनियम 1989 में बनाया था। इसे पारित कर पर्यावरण को संरक्षण देने का प्रयास किया। फिर है वन तथा पर्यावरण मंत्रालय का गठन। तो केंद्र और राज्य ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपनी सरकारों में एक पृथक मंत्रालय की स्थापना की। इस मंत्रालय का कार्य पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कुछ आवश्यक योजनाएं तैयार कर उनको क्रियान्वित करना था, जिसके कारण पर्यावरण समस्याओं के समाधान के लिए कामगर नीति या योजना बनाना है। पर्यावरण सुरक्षा हेतु योजनाएं, तो केंद्र और राज्य सरकार ने कुछ पर्यावरण की सुरक्षा हेतु योजनाएं बनाई गई हैं, जो है भारतीय वन्य जीव संस्थान। भारतीय वन्य जीव संस्थान दूसरा है भाभा परमाणु अनुसंधान के, भारतीय वानिकी संस्थान तथा शिक्षा परिसर। फिर है भारतीय वनस्पति तथा जंतु संरक्षण संस्थान। फिर है गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान। इसका राष्ट्रीय पर्यावरण निवारण समिति की पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय पर्यावरण निवारण समिति की भी स्थापना की गई। पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरण को सुरक्षित करने प्रश्न की मूलवासी को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष का वर्णन कीजिए। उत्तर है कि मूलवासी जहाँ पर व्यक्ति रह रहा है उसको उसके क्षेत्र के अधिकार। मूलवासी का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। यूएनओ ने इसकी प्रारंभिक परिभाषा इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते आ रहे हैं। फिर किसी दूसरे संस्कृति के लोग विश्व के दूसरे हिस्से में आकर उस देश में आए और फिर लोगों के अधीन बना। किसी देश के मूल निवासी आज भी अपने देश के अनुरूप सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक आर्थिक जीवन यापन।
अपने क्षेत्र के हिसाब से जहाँ पे रह रहे हैं, तो सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज और जीवन यापन जो वर्षों से उस जगह पे रह रहे हैं उस हिसाब से वो करना पसंद करते हैं। भारत सहित वर्तमान विश्व में मूल निवासियों की जनसंख्या लगभग लगभग 30 करोड़ है। जनसंख्या लगभग 30 करोड़ ये मूल निवासी भी अपने संघर्ष और अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। तो पहला है विश्व समुदाय में बराबरी का दर्जा पाने के लिए आंदोलन। मूल निवासियों को लंबे समय से सभ्य समाज में दोयम दर्जे का माना जाना। वर्तमान विश्व में जन समुदाय के प्रति अपने निम्न स्तर के व्यवहार को देखकर विश्व समुदाय में बराबरी का दर्जा पाने के लिए आंदोलन किया जाना। फिर दूसरा स्वतंत्र पहचान की मांग। मूल निवासियों का निवास स्थान मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया एवं भारत। इन मूल निवासियों की अपनी देश की सरकारों से मांग है कि इन्हें अभी भी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। फिर मूल स्थान पर अपने अधिकार की मांग करना। मूल स्थान पर अपने अधिकारों की मांग। अपने मूल स्थान पर अपने अधिकार की मांग हेतु संपूर्ण विश्व के मूल निवासी यह कहते हैं कि हम अनंत काल से यहाँ पर निवास करते आ रहे हैं। हमारे जो पुराने पूर्वज हैं वह कई वर्षों से यहाँ पर निवास करते आ रहे हैं, तो हमें अपने मूल स्थान में मूलवास उसका अधिकार मिलना चाहिए। फिर है कि राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग। तो वर्तमान में विश्व समुदाय के मूल निवासी अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता की भी मांग कर रहे हैं। बच्चों ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे और अपनी कॉपी